नमस्ते निशा देवी जी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है दोस्तों। चलिए सब सुबह हो गया, उठ गए हैं, कपड़ा उपड़ा हम लोग रख देते हैं, उसके बाद चलते हैं हम लोग सीधा। थोड़ा सा प्याज पक गया है तो हम लोग कचरे की जो दिखाए थे और सब लोग करेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, जो ये हमारा केला का पेड़ था एकदम सामने हमारे सबसे कैसे फल फल लिया हमने आज देखा दोस्तों। जबकि वो ही इस तरफ हम लोग आते हैं, इतना मस्त फल लिया है तो हाथ से भी हम लोग थोड़ा नहीं मिल सकता है। आइए दोस्तों आगे काम करते हैं। दोस्तों इतना हम लोग देखे पानी हमने दिखाया था घर के उसमें, ये इतना इतना पानी पूरी तरह से। आइए चलते हैं कहीं ऐसे चारा पानी देख कर पूरा करते हैं खेत में हम लोग। कौन जरूरी क्या है दिमाग आई कहा खेल खुशी हमारी खाई ही कम हमारे ऊपर ज्यादा ज्यादा है ना खुशी है भाई मेरी गर्दी ना खुले आई हाँ यार दो तीन साढ़े चार पाँच दिन हो गया दोस्तों उनके गुस्सा बढ़ता है। अरे हालत थी तो खाली आवाज होती रही है आई दिन खेल जवा चार दिन बाद इसलिए है कि सबको समय नहीं मिला था, काम जाता था घर पे आते भी ना मर सब करते हैं पानी भरने की हम रोज आते हैं दो तीन दिन बाद आते हैं मारा थे हमें मरचा को बड़ा अच्छा बैगन फिर एक छोटा छोटा दिख रहा है तो हमने मरचा जब लगाया था तो फूल बहुत छोटे जम रहे थे यही सब कितने बड़े बड़े हो गए हैं अब खोद कर अलग करना होगा एकदम के है इस यहाँ पे। चलिए आओ चलते हैं हम लोग खेत में प्याज आज पूरा खाने की कल से शुरू किया था दोस्तों कल समय नहीं था जानते हो अब मौसम ऐसे ही था तो सब लोग प्याज खाने थे अब जाकर फिर दिखा लेते थे कल ही एक प्यारी हम लोग निकाल लिए थे खुद करके उधर ही प्यारी में सब है जल्दी दिखाना जा रहा है चलिए दिखाते हैं खेत में आकर अभी भी पता किस तरह से घूम रहे हैं दोस्तों।
दोस्तों आगे खेत में पूरी तरह से हम, और देखिए हमारा प्याज कितना अच्छा पड़ा है, बहुत खराब लगे देखा था अभी रात की एक्चुअली हमारे सेमिया और सेमिया खाई थी। आए हैं लोग काटा ना लो, इस रखे हैं इधर के कचरे कुल किया जो में आइए कचर कचर के चंद दी लगा देखिए हम देखिए कचरे में यहाँ पे पूरा कचरे हुए हैं। इधर देखिए पेड़ पे कचरा हुआ है ज़्यादा तो इधर लाद रही है इस तरह से कुछ देखिए पूरा प्याज पूरे खेते में जितना ना घास है घास ना चढ़ी है आइए सबसे अच्छा उपज किया जा रहा है। देखिए दोस्तों प्याज इधर का अच्छा है बेलगा नहीं इधर कचरे नहीं अच्छा प्याज ये बहुत अच्छा है ना खुरपी से प्याज दोस्तों खेत में आकर हमने दिखाया आप सबको उधर खाना जा रहा है प्याज हमारा तीन रंग का छोटे सबसे बड़े भिंडी कोहरा बोल के देखिए दोस्तों हम लोग इसी लाए साथ साथ खाने जा रहे हैं और इस तरह से हम लोग सूरा भरे जा रहे हैं और चाची के खेत नुकसान हुआ है देखिए वो सबको चिल्ला रही हैं और इनके खेत में सब देखिए उरद में सब फूल आ गया है दोस्तों तो जो कोई देखिए फूल आया है यहाँ पे हाँ इसीलिए उरद में घास जो है निकालते हैं दोस्तों तो फूल झड़ जाता है तो फड़ता नहीं है तो भाई सबको जो खेती किया है तो गुस्सा तो बढ़ेगा ही और यहाँ अपन निरावत नहीं अपने हाथे से तो अपन बचाई बचाई के निकल ही घास को यार दोस्तों देखिए हाँ 8 मिनट दोस्तों हम लोग इधर चल रहे हैं हम लोग घर प्याज उधर एक बोरी है अभी इधर खाना खाने की भी तैयारी बाकी है चल हाँ देखिए दोस्तों प्याज लेकर चले हैं घर और हम भी चलते हैं घर और घर दिखाते हैं कि जो हम लोग काटे हैं कल का प्याज वो दिखाएंगे। देखिए दोस्तों 3 कलर का प्याज है ये भूरा है थोड़ा ये लाल है दोस्तों ये एकदम सफेद है किसी तरह से पड़ा है खेत में हमारा प्याज बहुत अच्छा है खाने लायक दोस्तों बहुत बड़ छोटा बहुत देखो इस तरह से भी पड़ा गया है एकदम छोटा ही नहीं है इस तरह से प्याज है हमारा 3 कलर का है दोस्तों ये कलर सब खाने में बहुत मस्त आता है कुछ लोग ये सफ़ेद प्याज तो अक्सर कहिए दोस्तों लू भूख लगती है ज़्यादा करके प्याज सफ़ेद वाला खाया जाता है। दोस्तों हमने देख पता है हमारा 3 कलर का प्याज पड़ा है और हमारा प्याज का सबका प्याज सब बहुत अच्छा है दोस्तों खेती प्याज की ठीक है अच्छा पड़ा थोड़ा रोग चला था दौड़ा था रोग लेकिन दवा वा छिड़के थे ये जो दिलगा है दोस्तों उससे ज़्यादा हम लोग परेशान हैं वो ज़्यादा कचर फचर भी चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आप सबको बहुत अच्छा लगे और अच्छा बनाइए दोस्तों पूरा दिखाएँ आप लोगों को तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा अच्छा लगे तो शेयर कमेंट लाइक सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल में नए हो तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो बाय दोस्तों नमस्ते।